लेटेस्ट 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। कन्नौज में लगातार डीजल और पेट्रोल में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में आज कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रांगण में जोरदार धरना प्रदर्शन कर केंद्र का भी भाजपा सरकार को जमकर कोसा गया। विवरण के अनुसार कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन कर केंद्र में काबिज भाजपा सरकार की जमकर भड़ास निकाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो महंगाई कम करने वाली भाजपा सरकार महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, गरीब लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं, डीजल बढ़ोतरी हो रही है जिससे किसान जहां परेशान दिखाई दे रहे हैं वहीं स्वामी भी बहन चलाने में विवश हो रहा है। इतना ही नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, गरीबों की थाली से भोजन दूर होता जा रहा है। अगर यही आलम रहा तो देश में लोग भूखे प्यासों से दम तोड़ने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन करने वालों में अनुज कक्का, मीर हारून, असगर सिद्दीकी, पुष्पेंद्र पांडे, रीना वर्मा सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें तेजस 24 न्यूज।